बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाला मज़ेदार सा देगी चिकन टिक्का, जिसे स्टीम चिकन भी कहा जाता है। इसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 अदद अदरक के स्लाइसेस, 1 लहसुन की पोथी। इन दोनों को छिलकों समेत कुंडी में कूट लें या फिर पानी में शामिल करके ब्लेंडर में पीस लें। चिकन के पीस को छुरी की मदद से गहरे कट लगा लें। एक बाउल में पानी शामिल करके इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 3 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे और तमाम लेग पीसेस को इस पानी के महलूल में शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन से तैयारशुदा मिक्सचर का पानी भी छलनी से छानकर उसे भी शामिल कर देंगे और इसे 15 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। पाँच से छः अदद सब्ज मिर्चें हम इसे कुंडी में कूट लेंगे या आप इसे बारीक भी चॉप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जर्दे के रंग को लीमू के रस में अच्छी तरह मिक्स करके चिकन के हर पीस को ब्रश से कोट कर दें। एक साफ बाउल में हम 3 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे और इसमें तमाम मसाला जात को शामिल कर देंगे। अदरक पाउडर 2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हसबे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून। काली मिर्च 1/2 टीस्पून, टिक्का मसाला 2 टीस्पून, तंदूरी मसाला 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 2 टीस्पून, कुटी हुई सब्ज मिर्चें। इन तमाम अशिया को अच्छी तरह मिक्स कर लें। तीन टेबल स्पून तेल शामिल किया। मजीद स्पाइसी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, उसे शामिल करेंगे और तमाम लेग पीसेस को अच्छी तरह कोट करेंगे। मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। जब तमाम चिकन पीसेस को मसाला लग जाएगा तो ढाँप कर 2 से 3 घंटे या फिर पूरी रात के लिए फ्रिज में रख देंगे। तवे को 5 मिनट के लिए तेज आँच पर चूल्हे पर रखें और इसके ऊपर देगची रखकर इसमें 3 से 4 टेबल स्पून तेल शामिल करके तमाम लेग पीसेस को साथ साथ रख देंगे। और कवर करके हल्की आंच पर 30 मिनट तक दम पर रखेंगे। फिर इसकी साइड तब्दील करेंगे और मजीद 30 मिनट्स के लिए दम पर रख देंगे। इजाफी पानी को तेज आंच कर सुखा लेंगे। जब देगी चिकन तैयार हो जाएगा तो इसे चटनी और नान के साथ गर्मागर्म सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।